साधकों को निराधार और स्वतंत्र होने का उपदेश मिलता है मुझे डर है कि निराधारता के प्रयास में मैं अपने गुरु को ना खो बैठूं। भक्त के लिए गुरु ही आधार है मैं क्या करूं? देखो जो सत्य है आत्मा है आत्मा को खोने की जरूरत ईश्वर गुरु आत्मा ये तीनों आधार है तो लक्ष्य भी है वो एक ही है गुरु सिर्फ एक शीशा है मिरर है शीशे के सामने तुम जैसे हो तो वैसे तुम तुम्हारा रिफ्लेक्शन होता है इसलिए तुम खोने की चिंता ही मत करो गुरु तो आकाश जैसा है कहा आकाश को खोगे तो पृथ्वी खो सकते हो पानी को हो सकते हो अग्नि को सकते हो वायु को भी कुछ हद तक अच्छे वायु को खो सकते हो दिल्ली जाओगे तो अच्छी हवा भी नहीं मिलेगी मगर आकाश से तुम बाहर जा ही नहीं सकते हो ये पांच तत्वों में आकाश से कभी कोई बाहर जा ही नहीं सकता अब आकाश से भी निराधार हो जाऊंगा ये कोई बात ही नहीं होती है निराधार होना चाहिए इसका मतलब यही है कि तुम्हारे मन में और बाकी कई तरह की चाहों को मत बिठा के रखो मगर मैं मुक्त हूं ये ज्ञान को खोने के लिए कोई नहीं बोलेगा प्रेम को छोड़ो कोई नहीं बोलेगा सत्य को छोड़ो कोई नहीं बोलेगा अरे निराधार मैंने सत्य को छोड़ दे इस ऐसा नहीं है नाम जपन क्यों छोड़ दिया झूठ न छोड़ा क्रोध न छोड़ा सत्य वचन क्यों छोड़ दिया नाम जपन क्यों छोड़ दिया ए, बहुत सुंदर उन्होंने कहा बाकी सब चीजों नहीं छोड़ते ये जा... वो सब चीजों को आधार मत रखो शक्ति को कभी तुम छोड़ नहीं सकते अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक के साथ कमेंट और शेयर करना ना भूलें इससे जुड़े अन्य वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें